उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का रंग नेताओं पर चढ़ना शुरू हो गया है। चुनावी अखाड़े में कांग्रेस के कई योद्धा ताल ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उधर पार्टी हाईकमान की ओर से कोई संकेत नहीं मिलने से काशीपुर विधानसभा सीट से टिकट के प्रमुख दावेदारों से सुरागी लाल न्यूज की टीम ने बात की और जाना किसमें कितना है दम। अब हमारे बीच में मौजूद है कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री इंदुमान जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। अभी जो विधानसभा इलेक्शन 2022 आ रहे हैं, इसमें लोगों का कहना है कि कांग्रेस से आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, कांग्रेस पार्टी से मेरी दावेदारी है विधायक की। तो बाकी जो दावेदार है कांग्रेस से, उनके सामने आप अपनी उपलब्धता कैसे पेश करेंगी? देखिए, मैं केवल अपने बारे में जानती हूँ कि मैं जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है 2000 में, उसके बाद से लगातार पार्टी में किसी न किसी पद पे पार्टी के साथ वफादारी के साथ निष्ठा के पूर्ण निष्ठा के साथ, क्योंकि मैं महिला आयोग में रही हूँ, उसमें रह के सदस्य के तौर पे और उपाध्यक्ष के तौर पे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उस समय मैंने। और उसी समय मुख्यमंत्री विशेष अधिकार से बहुत लोगों की मदद भी, समाज कल्याण आदि से भी, दूसरे क्षेत्रों में मैंने बहुत मदद लोगों की है। उसके बाद से लगातार संगठन में विभिन्न पदों पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मैं लगातार पार्टी की सेवा कर रही हूँ। वर्तमान में अभी मैं प्रदेश संयोजक प्रशिक्षण कमेटी में हूँ, जिसमें प्रदेश स्तर पे और विधानसभा स्तर पर पे बहुत ही सफल कार्यक्रम हमने बूथ को मजबूत करने के लिए किया। तो अब अगर मान लीजिए आगे इलेक्शन में आप जीतती हैं, तो काशीपुर को लेकर आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, कांग्रेस में लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक ही विधायक हैं पिछले 20 साल से, लेकिन कांग्रेस काशीपुर का विकास जो है पूरी तरह से ठप है। उसमें चाहे सफाई ले लो, पानी का ले लो, या सड़क की स्थिति ले लो, या बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, कहीं कम वोल्टेज की और कहीं आती ही नहीं है। और आम जनता को जो राशन पानी आदि मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उनको ये सुविधाएं मिले जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और प्रतिनिधि को देखना चाहिए कि सुनिश्चित कराए। मैं सुनिश्चित कराऊंगी कि आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले और काशीपुर की सूरत जरूर बदलेगी।